वेलकम बैक अगेन गाइस। कैसे हो यार आप सभी लोग, होप करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं सुमित लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक नए मॉड पर वीडियो। तो गाइस आज के इस मॉड पे हम करने वाले हैं फोर्ड एंडेवर के टाइटेनियम टॉप मॉडल के मॉड का रिव्यू। और एंड ये गाइस 4x4 वाला वेरियंट है। तो गाइस आप देख सकते हो इसे ब्लैक कलर का काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। सो गाइस अगर फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से आप देख सकते हो लुक इसका दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है। सामने आपको फोर्ड का लोगो मिल जाएगा एंड काफ़ी बढ़िया लग रही है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो एलॉय व्हील एकदम रियलिस्टिक लगती है जो इस मॉडल के साथ आते हैं, तो आप देख सकते हो जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं। साइड में आपको जो इसका शीशा है उसमें क्रोम मिल जाएगा जो कि काफ़ी सही लग रहा है। एंड 3.2 लीटर की आपको बैजिंग मिल जाएगी। टॉप मॉडल में 3.2 लीटर वाला वेरियंट आता था। तो गाइस बैक से आप देख सकते हो बैक में आपको एवरेस्ट दिखेगा, बट ये एंडेवर ये एवरेस्ट इसलिए क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में इसको फोर्ड एवरेस्ट बोला जाता है, एंडेवर नहीं बोला जाता। तो गाइस आप देख सकते हो इसका ड्राइवर साइड से लुक दिखने में एकदम रियलिस्टिक एंड रियल लगती है एंड काफ़ी अच्छी है। तो गाइस जब हम चलेंगे कार के अंदर और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके साथ आपको क्या फीचर मिल जाता है मॉड के साथ। तो पहले वाले से डोर, सेकंड से बूट एंड थर्ड से आ जाता है आपका स्टेपनी। तो आप देख सकते हो गाइस तो स्टेपनी आपका थर्ड वाले से आ जाता है। तो स्टेपनी को मैं हटा दूंगा, सिंपल रख दूंगा, तो जो कि उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस आप इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है जैसा रियल एंडेवर में आता है। एंड आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है ये। एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। बूट की बात करें तो बूट में भी आपको खूब स्पेस मिल जाता है। एंड पीछे आपको बोनेट में टाइटेनियम एंड 4x4 की बैजिंग मिल जाएगी जो कि काफ़ी सही लगती है। एंड गाइस आप इसका इंटीरियर एंड सीट कवर वगैरह देख सकते हो जो कि दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस अब हम आगे कार के अंदर और अब हम कर देंगे इन सबको क्लोज एंड आपको ऊपर मिल जाती है बड़ी सनरूफ, आपको पता ही होगा। तो गाइस अब आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर भी दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है। साइड में आपको नेविगेशन सिस्टम मिल जाएगा एंड स्पीडोमीटर की बात करें तो वो भी प्रॉपरली तरीके से वर्क करता है। लाइट ऑन होने के बाद वो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड आपको इसमें RPM नहीं मिलेगा, जब आप इसे ड्राइव करोगे तो तब मिलेगा। तो गाइस आप अब कर रहे हैं हम इसको ड्राइव एंड ये चलने में कैसी, इसकी ब्रेकिंग कैसी, कंट्रोलिंग कैसी, स्टेबिलिटी कैसी, सब कुछ चीज़ का अभी हम टेस्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर मॉड के अपडेट मिलते रहे। तो गाइस आ चुके हैं हम पेट्रोल पंप में उस ग्लिच को ठीक करने के लिए। तो फ्यूल रिफिल करने के बाद वो ग्लिच आपका ठीक हो जाता है। तो आप साइड से देख सकते हो पूरा ग्लिच ठीक हो चुका है एंड काफ़ी सही तरीके से ये परफॉर्म कर रही है। एंड गाइस आप इसका स्टीयरिंग देख सकते हो, जैसा रियल एंडेवर में आता है डिटो ही आपको वैसी ही स्टीयरिंग मिलेगा, तो जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस आप इसे आप इस मॉड को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। मॉड बिल्कुल फ्री है एंड आप लुक देख सकते हो, लुक दिखने में एकदम बढ़िया लगता है। एंड कलर इसमें अभी आपको और कलर मिल जाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग जौन सा लगाना चाहो तो लगा सकते हो। एंड जब आप इस मॉड को डाउनलोड करोगे तो तब उसमें आपको ये कलर मिल जाएंगे। तो गाइज़ आप देख आप इसकी ब्रेक लाइट वगैरह देख सकते हो, वो भी प्रॉपरली तरीके से वर्क करती है एंड इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड गाइज चलने में कोई दिक्कत नहीं, चल भी काफ़ी अच्छे से गई है। एंड पिकअप की बात करें तो गाइज इसका पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, एकदम पिकअप पकड़ लेती है जो कि काफ़ी सही है। एंड लुक काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको एंडेवर पसंद है तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड गाइज अगर आपकी कोई क्वेरी या फिर आपको कोई बस आईडी का मॉड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे DM कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हो, DM भी कर सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूँगा। सो गाइज अगर ओवरऑल मॉड की बात करें तो यार मॉड दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है एंड चलने में भी काफ़ी अच्छा है एंड ब्रेकिंग वगैरह भी इसकी काफ़ी सही है। तो गाइज अगर मैं स्टेबिलिटी वगैरह की बात करूँ तो इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी सही है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, बट हाँ हाई स्पीड में हो जाएगा, बट अगर आप नॉर्मल स्पीड में चला रहे हो तो नहीं होगा। एंड अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये 180 तक क्रॉस कर जाती है जो कि काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर मैंने कर दी है वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, तो आप देख सकते हो बारिश का माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इंटीरियर वाला व्यू भी का ड्राइविंग का। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर मॉड की अपडेट मिलती रहे। तो गाइज होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज आज की इस मॉड पर इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले मॉड एंड अगली वीडियो।